मेरा नाम है सुनीता। और आप सब लोग कैसे हो? मैंने इस स्टोरी से बहुत अच्छा सबक सीखा है, और आप भी आगे देखिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी स्टोरी। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और एक बहुत ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गई, सब्सक्राइब के पास में एक घंटी होगी, उसे तो बजाना भूलना ही मत, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिल जाएं। और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों सुनो, मेरी सुनीता बहुत अच्छी बच्ची है, मैं उसकी मम्मी हूँ, और वो मेरी हर बात सुनती है। बस एक बात में मुझे वो बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो जंक फूड इतना खाती है कि उसकी ज़िंदगी में चार लोग हैं, मतलब तीन लोग हैं, मैं, उसकी नानी और जंक फूड। तो आगे देखिए उसने क्या करा और मेरी मम्मी ने क्या करा। चलो बेटा सुनीता, मेरे साथ में थोड़ी हेल्प करवा दो प्लीज़। जी हाँ मम्मी, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। क्या करना है मम्मी? बेटा बस बर्तन धोने हैं। मैं बर्तन धो देती हूँ और तुम बर्तनों को सही जगह पर लगा देना। ओके मम्मी। चलो मैं धोना स्टार्ट करती हूँ। मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं बेटा, और तुम अब जाके इन सारे बर्तनों को सही जगह पर लगा दो। चलो मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है बेटा। ओके मम्मी आप जाइए, आपको बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मैं आपको देख सकती हूँ। तो आप जाइए, आप जाके सोइए, और अच्छे से सोइएगा, अच्छी नींद लीजिएगा। ओके बेटा मैं जा रही हूँ। कुछ बोल देती हूँ, मम्मी मुझे कुछ खाने को दे देंगे, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। क्यों नहीं बेटा, ज़रूर, क्या खाओगी? मम्मी जैसी आपकी मर्ज़ी। ये लड़की सच्ची में ऐसी नहीं है, ये बस बहाना कर रही है, लेकिन इसको सिर्फ जंक फूड चाहिए होता है। चल चल आप आगे देखो। ठीक है बेटा अभी बना देती हूँ मैं। के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसका फ्रूट पूरे दिन का एक फ्रूट हो जाएगा। यहाँ ये ब्रेड उसके लिए फ़ायदेमंद है, और क्योंकि वो मोटी नहीं है। और ये दूध तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। चलो अब मैं उसे बोल देती हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता ये खाने वाली है वो सब ये सब। चलो बुलाती हूँ उसे। सुनीता। जी मम्मी मेरा खाना तैयार है। हाँ बेटा हमारा खाना तैयार है, तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अब तो मैं रेडी हूँ,
मम्मी प्लीज मेरा खाना ले आइए। ये तुम्हारा ब्रेड और तुम्हारे ऑरेंज। ये दूध। चलो अब जल्दी से खा लो पी लो। ओ मम्मी आई कांट ईट दीज थिंग्स। मैं ये सब नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है। मैं अभी अपने लिए खाना लाती हूँ। अब तुम क्या अकड़म शकड़म लाओगी? मम्मी देखो ये है ना मेरा सही खाना, पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक। ओ माय गॉडनेस, तुम तो मुझे सच्ची में सर दर्द कर देती हो। मेरा ये क्यों खा रही हो? इससे तुम्हारा सर सही नहीं रहेगा, तुम्हारा पेट दर्द हो जाएगा। बेटा समझने की कोशिश करो। मम्मी जब मेरे को समझ नहीं आता तब मेरे को समझ नहीं आता। करते रहो जो तुम्हें करना है, मैं जा रही हूँ। मुझे थोड़ा नया सामान लेने जाना है तो मैं लेने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें पता नहीं टूट चुकी हैं, कुछ चीज़ें घर पे हैं नहीं, तो मैं लेने जा रही हूँ। तब तक तुम खा लेना, एटलीस्ट ये तो खा लो, तुम कुछ खाती हो नहीं। आह क्या टेस्टी था। सुनीता की मम्मी को रास्ते में उनकी मम्मी मिली। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम सुनीता के बारे में चिंता कर रही हो। उसको अपने बल पे छोड़ दो। उसके लिए तुम आज फिर से पेस्ट्री ले आओ जो उसको चाहिए, और सब भूलो, ठीक है? ऐसा समझो वो खाती नहीं है सब चीज़ें, लेकिन फिर भी ले आओ तुम उसके लिए, उसको पता चल जाएगा खुद ही। मम्मी पता नहीं आप ये सब कह कैसे रहे हो, लेकिन मैं आपकी बात थोड़ी डाल सकती हूँ। ठीक है, मैं सब ले आऊँगी जो उसे अच्छा लगता है, और जो तुम्हें पसंद है वो भूलना मत, समझ में आई ना? ओके मम्मी मैं जा रही हूँ। मैं तो पहुँच गई ग्रोसरी स्टोर। चलो मेरे को एक ग्लास चाहिए, चलो मैं ले लेती हूँ। सारी शॉपिंग कर लिया, मैं घर चली जाती हूँ। ओह वाओ मम्मी आपने इतना सारा सामान लाया। हाँ मैंने बहुत सारा सामान ले लिया। अब कल तुम्हें स्कूल जाना है, उससे पहले तुम ये सारे सामान को रख दो अपनी जगहों पे, और फिर तुम सो जाना। कल को फिर तुम्हें ना स्कूल जाना है। मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी सुबह को, ठीक है? तुम्हें कैंटीन से लेना हो तो खाना ले लेना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक लंच बॉक्स में थोड़ा सा दे ही दूंगी। नहीं मम्मी 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 ज़रूरत नहीं उसकी, बस आप मुझे वो दे दो पैसे, मैं ठीक रहेगा वो मेरे लिए। ठीक है आप काम पे लग जाओ। कैंटीन में जाके खा लेना। थैंक यू मम्मी 100 रुपीज़ देने के लिए। मैं कैंटीन से खा लूँगी, आप वरी मत करना, मैं खा लूँगी। ओके बेटा बाय। मेरी स्कूल में दो और फ्रेंड्स हैं, मैं उधर जाके आज पिज्ज़ा खाऊँगी, आज तो मज़े आ जाएंगे। सुनीता की दोस्त रीमा और शीमा थी, और वो लोग आज बहुत मज़े करने वाले थे क्योंकि वो लोग आज पिज्ज़ा खाने वाले थे। चलो चलते हैं, बैठते हैं। लोग बैठ जाते हैं और सुनीता अपना 100 रुपये का नोट दिखाती है। अरे दोस्तों देखो मेरे पास में 100 रुपये हैं, आज मम्मी ने पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है, आज मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए हैं, चलो चीज़ बस पिज्ज़ा खाते हैं। अरे भैया चीज़ बस पिज्ज़ा 500 का आता है, 100 का नहीं। चलो नॉर्मल पिज्ज़ा ही खा लेते हैं, एटलीस्ट मिलेगा तो सही ना। हाँ ठीक है चलो खाते हैं। जल्दी ही उनका पिज्ज़ा आ जाता है। ओ वाह कितना टेस्टी लग रहा है पिज्ज़ा, चलो खाएं।
सुनीता ने जल्दी से एक पिज्जा का स्लाइस निकाल लिया और उसकी चीज तो मानो आसमान तक पहुंच रही थी। मतलब रियली में नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। और जल्दी से वो पूरा पिज्जा ही खत्म हो जाता है। अरे दोस्तों, आज तो मज़े आ गए। आज इतना टेस्टी पिज्जा खाया है, ये तो चीज़ बहुत सभी टेस्टी था। हाँ भैया, हाँ बहुत ही टेस्टी था। अगले दिन सुनीता के पेट में बहुत दर्द होने लगता है, वो तड़पने लगती है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई बचाओ। अरे 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 मेरी बेटी, तुम्हें क्या हुआ? मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ क्या हुआ? मम्मी जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसका क्या करूँ मैं? अब कौन सी दवाई दूँ, क्या करूँ? क्या तुम मुझे सुनीता के साथ में 2 मिनट दे सकती हो? हाँ मम्मी, क्यों नहीं। जी हाँ। तो बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी मम्मा काम करना छोड़ दें तो क्या तुम्हारा घर सही रहेगा? नहीं नानी, नहीं। अगर तुम अपना होमवर्क करना बंद कर दो तो क्या तुम्हारी मैम तुम्हें A+ दे देंगी? नहीं 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 नानी। तो मुझे ये बताओ कि अगर तुम जंक फूड को खाती रहोगी तो क्या तुम्हारी सेहत रहेगी? नहीं। जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम क्यों नहीं बंद करती हो जंक फूड को? नानी, वो बहुत टेस्टी होता है, मैं नहीं रुक सकती। अगर तुमसे ये सब नहीं हो पाता है तो तुम कोई बात नहीं, तुम खाओ, लेकिन तुम 1 वीक में 1 ही दिन खाओ। ठीक है नानी, मैं वही करूँगी, क्योंकि अब मुझे सबक मिल चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही रास्ते पर पहुँच गई। चलो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आती हूँ और तुम मेडिसिन खा के तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगी। अरे नानी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही बेटर फील कर रही हूँ, 1 गोली से मैं 1 दिन में ही ठीक हो जाऊँगी। वाओ वेरी गुड, मतलब तुम्हारे माइंड का ही चक्कर था या फिर तुम्हारे पेट का चक्कर था? अरे नानी, नहीं नहीं नहीं, मेरे पेट का चक्कर था, मेरे को बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा था। हाँ मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊँगी नानी। अपने आप से बातें मत लड़ाया करो बेटी, चलो मैं ले आती हूँ। ये लो तुम्हारी दवाई और तुम्हारे पानी ला रही हूँ मैं। लो तुम्हारे पानी, जल्दी से पी लो और खा लो और फिर उसके बाद में तुम सो के 2 दिन में ठीक हो जाओगी। ओके नानी। तो जैसा आपने इस वीडियो से सीखा, मैं बहुत बीमार हो गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जंक फूड बहुत खाती थी। आप खाइए, लेकिन आप 1 वीक में 1 ही दिन खाइए, वो सही रहेगा। जंक फूड से आपके पेट के संतुष्टि नहीं मिलती। आप हेल्दी फूड खाइए, 6 दिन हेल्दी फूड और 1 दिन जंक फूड, वो कुछ नहीं होता। फिर मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी नानी से, मेरी नानी सबसे बेस्ट हैं। चलो बाय। हेलो हेलो, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाली घंटी भी बजा दो। ग्रे लाइक बटन को लाइक बटन बना दो और शेयर कर दो इस वीडियो को और कमेंट कर दो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, और नेक्स्ट वीडियो हमें कौन सी बनानी चाहिए। और हाँ, जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन देख लो, नहीं दबाया तो दबा दो। उसकी पड़ोसन नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो और उसके ऊपर ग्रे लाइक बटन को ब्लू लाइक बटन बना दो। शेयर कर दो इस वीडियो को और कमेंट कर दो आपको वीडियो कैसी लगी और हमें कौन सी नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए।